दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में ओवरथिंकिंग की समस्या रहती है, जिसके कारण उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो गलत विचार है, जो गंदे गंदे विचार है, या कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल थॉट्स हैं फैमिली से रिलेटेड, वो थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं। इस तरह की ओवरथिंकिंग रहती है जिसकी वजह से वो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को खुलकर नहीं जी पाते, हमेशा एक पश्चाताप में, गिल्ट में जीते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो ओवरथिंकिंग है, इसको हटाने के 3 स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एक 26 साल के व्यक्ति ने अपना जो 5 साल का जो ये सेक्सुअल जो ओवरथिंकिंग था, उससे उन्होंने पूरी तरह से छुटकारा पाया। CBT की प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपने आप को पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से दूर किया। बेसिकली जो 26 साल के व्यक्ति थे, इनके दिमाग के अंदर अपनी जो मदर है उनको लेकर सेक्सुअल थॉट्स आते थे। अब ये जो सेक्सुअल थॉट्स आते थे, इन सेक्सुअल थॉट्स के कारण वो लगातार गिल्ट फील करते रहते थे, लगातार वो अपने आप को कोसते रहते थे कि मैं इस दुनिया का कितना बुरा इंसान हूँ जिसके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, और किसी को नहीं अपनी मदर को लेके, अपनी माँ को लेके इस तरह के इतने गंदे गंदे से ख्याल आ रहे हैं, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। हर वक्त वो अपने आप को इस चीज़ के लिए कोसते रहते थे, और साथ ही साथ वो इसके लिए क्या करते रहते थे कि उन्होंने एस्केपिज्म स्टार्ट कर दिया। एस्केपिज्म क्या है कि कहीं पर भी अगर मदर है तो उस जगह से इन्होंने भागना शुरू कर दिया। अगर किचन में है मदर, अगर लॉबी में बैठे हैं, कमरे में है, तो ये उस जगह पर नहीं जाते, और काफ़ी टाइम से फिर इन्होंने घर पे जाना भी छोड़ दिया, ये हॉस्टल में ही रहने लग गए। क्योंकि अगर ये मदर के पास जाएंगे, इनको ऐसा लगता था कि इनके दिमाग में ये थॉट्स आएंगे, और थॉट्स आएंगे तो फिर से इनको परेशानी होगी, तो उन्होंने एस्केपिज्म स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर इन्होंने CBT का वर्कअप स्टार्ट किया। CBT का वर्कअप इन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो तो इन्होंने एस्केपिज्म को स्टॉप किया। अच्छा, एस्केपिज्म को स्टॉप करना क्यों जरूरी है? दोस्तों अगर हम एस्केप करते रहते हैं, अगर हम भागते रहते हैं किसी भी चीज से, किसी भी थॉट से, एस्केपिज्म हमारा 2 प्रकार का होता है। अगर किसी जगह से भाग रहे होते हैं इसको तो डायरेक्ट एस्केपिज्म बोलते हैं, और अगर हम थॉट को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं या थॉट को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको इनडायरेक्ट एस्केपिज्म बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट एस्केपिज्म यूज कर रहे थे कि जहां पर मदर है, जिस जगह पर मदर है, उस प्लेस से हमेशा अपने आप को दूर रखना। तो दोस्तों ये जो एस्केपिज्म है, एस्केपिज्म के कारण हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है, उस थॉट का हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। क्योंकि कोई भी जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के अंदर 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो थॉट की जरूरत पड़ती है और दूसरा हमें जरूरत पड़ती है एक्शन की। तो ये जो एस्केपिज्म होता है, ये एस्केपिज्म जो भागना है, बेसिकली ये क्या है? हमारा एक्शन है। तो थॉट मदर के बारे में सेक्सुअल थॉट और साथ में एक्शन, तो इन दोनों से ये जो पैटर्न है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बनने लग जाता है। जैसा कि इनके दिमाग के अंदर क्या बन रहा था? पैटर्न बन रहा था सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन बार बार जा रही थी। क्योंकि जिस भी थॉट पर आप एक्ट कर देते हो, रिएक्ट कर देते हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस थॉट को रियल कंसीडर करता है, और जो रियल थॉट होता है उसका हमारे दिमाग के अंदर क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। तो जो सबसे पहला जो इन्होंने स्टेप यूज किया, वो स्टेप क्या यूज किया कि जो मिस्टेक ये कर रहे थे, जो गलती ये कर रहे थे, वो कौन सी थी? एस्केपिज्म वाली। इस गलती को इन्होंने स्टॉप किया, एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया, मदर से बात करना स्टार्ट किया, मदर के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, हॉस्टल से घर पे आने लग गए, उसके बाद में मदर के साथ में मार्केट जाना है तो मार्केट जाने लग गए, फैमिली मेंबर्स के पास में जाना है तो फैमिली मेंबर्स के पास में जाने लग गए, मदर के साथ में सारी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एस्केपिज्म है, जैसे ही एस्केपिज्म रुका तो जो फ्यूचर के जो और जो पैटर्न्स बनने वाले थे, वो पैटर्न सारे के सारे स्टॉप हो गए। अब नए पैटर्न्स इनके अंदर बनना बंद हो गए। यहां पर इन्होंने क्या स्टार्ट किया? एक्सपोजर स्टार्ट किया। दूसरा जो स्टेप इन्होंने क्या किया कि जो दूसरी मिस्टेक ये कर रहे थे कि ये कंटिन्यूअसली इस चीज के लिए क्या फील कर रहे थे? गिल्ट फील कर रहे थे। दोस्तों हम लोग गिल्ट उस चीज के लिए फील करते हैं जो चीज हम इंटेंशनली करते हैं या जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के सोचते हैं। तो जब इनसे ये पूछा गया कि क्या आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो, तो इन्होंने बताया कि नहीं सर, मैं तो मेरी मदर की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मन के अंदर उनके प्रति बहुत अच्छी भावना है, मैं बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ, लेकिन ये जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं चाहता ऐसा, फिर भी मेरे दिमाग में इस तरह के
थॉट्स आ रहे हैं। तो यहां पर उनके जो थॉट्स थे वो क्या थे, अनइंटेंशनल थे। लेकिन जब आप गिल्ट फील करते हो तो आपका जो माइंड है वो इस थॉट को किस तरह से लेता है, कि जैसे आपने इसको जानबूझकर सोचा हो, जबकि ये क्या है, अनइंटेंशनल। तो सेकंड स्टेप यहां पर ये स्टार्ट हुआ कि जब भी इस चीज के लिए गिल्ट फील होती तब वो अपने आप को ये एक्सप्लेन करते कि ये मैं जानबूझ के नहीं सोच रहा, ये थॉट मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, जो मेरे दिमाग में पैटर्न बन गए, उन पैटर्न के कारण ये थॉट मेरे दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, तो मुझे किसी भी तरह का गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर हम गिल्ट फील करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस थॉट को इस तरह से लेता है कि हम जानबूझ के करना चाह रहे हैं, हम जानबूझ के सोचना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसका गिल्ट फील करते रहते हैं तो इसका एक विशेष साइकिल बना रहता है और ये थॉट हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली परेशान करता रहता है। तो सेकंड स्टेप इन्होंने गिल्ट वाला पार्ट हटाया। थर्ड जो स्टेप था कि यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि सर, जब मैं इसको जानबूझ के नहीं चाह रहा, जब मैं ऐसा करना भी नहीं चाह रहा, पता नहीं ये थॉट क्यों आ गया। तो थर्ड स्टेप कि ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आता है, इसका इन्होंने एक लॉजिकल, मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव जो डिस्प्यूट है वो एक्सप्लेनेशन इन्होंने देना स्टार्ट किया। वो एक्सप्लेनेशन क्या था कि अक्सर दोस्तों हम कई बार ऐसी न्यूज अखबार के अंदर सुन लेते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की न्यूज सुन लेते हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स के बीच में कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं, और उन न्यूज को सुन लेते हैं या इस तरह का कोई सीन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि सर, आज से 5-6 साल पहले मैंने एक सोशल मीडिया साइट पर, एक जगह पर, मैंने कहीं पर एक ऐसा पॉर्न देख लिया था जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स के अंदर इंटीमेसी के बारे में डिस्कशंस था। मैंने उसे उसी टाइम बंद कर दिया था, लेकिन ये थॉट जैसे मेरे दिमाग में गया, मुझे ऐसा लगा कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर दूंगा, और फिर उसके बाद में मुझे धीरे धीरे डर लगने लग गया। तो बेसिकली ये जो थॉट क्रिएट हुआ, ये थॉट क्यों क्रिएट हुआ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई, हमारे दिमाग में कोई भी थॉट जो क्रिएट होता है, हमारे दिमाग में हर प्रकार का थॉट क्रिएट हो सकता है, थॉट जो क्रिएट होता है वो भी, जो भी हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के कारण ही हमारे दिमाग में थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो फिर इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया कि ये जो थॉट स्टार्ट हो रहा है, ये थॉट क्यों आया, कि आज से 5-6 साल पहले जो मेरा पॉन के अंदर जो एक्सपोजर रहा था, उस एक्सपोजर को मैंने अपने ऊपर क्या कर लिया, जनरलाइजेशन कर लिया, कि वहां हो रहा है कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, और उसके बाद में मुझे डर लगने लग गया, मुझे घबराहट होने लग गई। तो ये क्या है, ये है जनरलाइजेशन। दोस्तों कोई भी जो थॉट है जो हमारे दिमाग में आता है, वो थॉट रिपीट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उस थॉट को किस तरह से डील करते हैं। अगर हम उसको नेगेटिव वे में डील कर लेते हैं तो वो थॉट है, उस थॉट के हमारे दिमाग में पैटर्न्स बन जाते हैं और फिर वो हमें परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से डील करते हैं कि ठीक है, ये थॉट है सिंपल सा, वो जो इन्फॉर्मेशन गई थी दिमाग में, उस इन्फॉर्मेशन के कारण ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे मैं चाह नहीं रहा कि ये थॉट मेरे दिमाग में आए, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन गई हुई है, वही इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में क्या कर रही है, थॉट क्रिएट कर रही है। मैं उस चीज को अपने ऊपर क्या कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं, जबकि वो मामला अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो मेरी पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, ये जो थॉट क्रिएट हो रहा है ये उस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरे दिमाग के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो जब हम उसको सही तरीके से डील कर लेते हैं तो वो थॉट हमारे दिमाग में रिपीट नहीं होता, उसका पैटर्न हमारे दिमाग में नहीं बनता। तो इन्होंने ये जो तीन स्टेप्स जो है इन गंदे विचारों को या ये जो ओवरथिंकिंग है इसको हटाने के लिए, इन्होंने ये तीन बेसिक स्टेप्स यूज किए। सबसे पहले एक्सपोजर बढ़ाया, दूसरा गिल्ट जो है उसको फील करना बंद किया, और तीसरा जो भी थॉट रिपीट हो रहा था उस थॉट के अंदर ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि ये एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, जनरलाइज्ड थॉट है, मैंने जो सोशल मीडिया पे या जो मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में चली गई थी, वही इन्फॉर्मेशन क्या क्रिएट कर रही है, मेरे दिमाग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन थॉट्स क्रिएट कर रही है, इस तरह के गंदे गंदे थॉट्स मैं अपने ऊपर क्या कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ। तो ये जो तीन स्टेप्स इन्होंने यूज किए, इन्होंने 6-8 महीने 10 महीने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की, और इस OCD को और इस ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से इन्होंने हटाया। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, हम हमारी जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हमें परेशान करने लग जाते हैं, जो फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड है या फिर जो हमारे क्लोज वंस हैं, जिनके बारे में हम कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते, वैसे थॉट्स भी हमारे दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं। तो इन थॉट्स को डील करने का जो तरीका है, जो CBT का जो वे है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने इन ओवरथिंकिंग को बहुत अच्छे से हटाना चाहते हैं, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक कोर्स लॉन्च किया है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी हर प्रकार की जो ओवरथिंकिंग है, चाहे वो किसी भी प्रकार का
परेशान करने वाला थॉट है उससे आप एकदम अपने आप को फ्री कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ये पूरा का पूरा एक महीने का कोर्स है। इसके अलावा अगर दोस्तों आप लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, हम लोग 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में 7 दिनों की एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीकानेर के अंदर, फंडामेंटल्स ऑफ सीबीटी, जो सीबीटी का जो कोर फंडामेंट्स है, जो हमारे माइंड का जो कोर फंडामेंट्स है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए, ताकि हम जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो ओवरथिंकिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का फोबिया फियर हो, उसको हम पूरी तरह से खत्म कर सके। ये जो 7 दिन है ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव लाएंगे। अगर आप इस लाइव वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।